आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। देखो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है ऑप्शन है एन इनक्रीज इन बॉडी वॉल्यूम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो ओस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं ठीक है ओस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे स्विच ऑफ जिसकी वजह से क्या होता है फर्दर एडीएच का जो सिक्रीशन है वो सप्रेस हो जाएगा तो ये बिल्कुल सही बात है एडी जो होता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन ठीक है कंसेंट्रेटेड यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एडीएच हॉर्मोन अब देखो अगर बॉडी का फ्लूड वॉल्यूम ज्यादा है तो उस कंडीशन में ओस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे क्योंकि अगर फ्लूड ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर डाइल्यूट यूरिन पास आउट हो सकता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी अगर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम ज्यादा है तो इस वजह से एडीएच का जो है वो सप्रेशन हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन टू में लिखा है एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन इट कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफेक्ट ऑन ब्लड ब्लड वेसल देन बीपी हाई एंड एंड फ्लो मोर मोर इट इज ब्लडलो राइट देखो जो एडीएच हॉर्मोन होता है एडीएच हॉर्मोन क्या काम करता है सी जो एडीएच है एडीएच दैट इज द एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज द वेसो कॉन्स्टिक्ट अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट है तो ये क्या करेगा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा अगर ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिससे क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी ठीक है जो कि नॉर्मली कितनी होती है 125 ट्वेंटी पर मिनट तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड है वो भी बिल्कुल करेक्ट है देन आता है ऑप्शन थ्री एंजुटेनोजन

अब देखो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होती है या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है उस कंडीशन में किडनी की जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है जेक्सट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और रिलीज करती है रेनिन का सिक्रीशन ठीक है रेनिन का सिक्रीशन करती है रेनिन इस एनजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में ठीक है एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में ठीक है विद द हेल्प ऑफ लीवर कन्वर्टिंग एंजाइम लीवर से रिलीज होते हैं कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में एंजियोटेंसिन एनजोटेंसिन फर्दर एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं मिनरेलोकॉटिकोड्स और जिसमें मेनली होता है एल्डोस्टिरोन ठीक है यहाँ पे एंजियोटेंसिन दो फंक्शन कर रहा है एक तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहा है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो ग्लोमेलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही वो एड्रेनल को एक्टिवेट कर देगा तो एल्डोस्टिरोन का सिक्रीशन होगा और एल्डोस्टिरोन हार्मोन क्या काम करेगा सोडियम आइंस का रीअबॉर्प्शन करेगा कहाँ से डीसीटी से ठीक है डीसीटी दैट इज द डिस्टल ठीक है सोडियम आइंस रीअबॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यही सीक्वेंस गिवन है सो ऑप्शन थ्री इज ऑल्सो करेक्ट हियर अगर वन टू थ्री तीनों करेक्ट है तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर जहां पे लिखा है ऑल सो हियर ऑल आर करेक्ट सो करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन फोर ओके क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर